नमस्कार मित्रों मित्रों, बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि भजन सम्राट श्री नरेंद्र चंचल जी का 80 वर्ष की उम्र में आज 22 जनवरी को उनका निधन हो गया है। श्री नरेंद्र चंचल जी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और आज दोपहर को उनका निधन हो गया है। नरेंद्र चंचल जी जागरण में माता की भेंटे गाते थे और वो बॉलीवुड में भी अपनी गायकी से फैंस का दिल जीत चुके थे। 1980-90 के दशक में वो माता के जागरण की शान हुआ करते थे और उनकी आवाज़ और गायकी भक्तों का मन मोह लेती थी। नरेंद्र चंचल जी जिस जागरण में चले जाते थे वहाँ पर लोगों का हुजूम टूट पड़ता था। हमारे प्रिय चंचल जी की माँ कैलाशवती भी भजन गाया करती थी। माँ के भजन सुनते सुनते उनकी रुचि भक्ति संगीत में बढ़ी। नरेंद्र चंचल की पहली गुरु उनकी माँ ही थी। इसके बाद चंचल ने प्रेम तिखा से संगीत सीखा, फिर वो भजन गाने लगे। नरेंद्र चंचल ने अपनी गायकी से बॉलीवुड में एक खास पहचान बनाई थी। उनकी गायकी का सफ़र राज कपूर के समय से ही शुरू हुआ था। फिल्म बाबी में उनके द्वारा गाया गया गाना बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो काफ़ी मशहूर हुआ था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में गाने गाए, लेकिन उनकी पहचान मिली फिल्म आशा में गाए भजन से, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। आज भी कहीं पर भी जगराता होता है, माँ का जागरण होता है तो ये गाना जरूर गाया जाता है। इस गाने की फरमाइश आती है कि चलो बुलावा जरूर गा दो। अगर चलो बुलावा नहीं गाया गया तो वो जागरण अधूरा माना जाता है। चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। हमारे प्रिय नरेंद्र चंचल जी आज हमारे बीच में नहीं है, बहुत दुख हो रहा है। हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।